हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल. दिस इज़ योर पीएम मैम. आज के सेशन में हम फुल सिलेबस वर्क करने वाले हैं नीट 22 के लिए, साथ में ओएमआर प्रैक्टिस करने वाले हैं. एंड ये जो सीरीज़ है डेली रात को 8:30 PM पर यूट्यूब पर होती है. एंड आपको नीट तक डेफिनेटली इस सीरीज़ को करना चाहिए, ओएमआर बबल फिलिंग प्रैक्टिस करना चाहिए एंड इतने सारे वेराइटी ऑफ क्वेश्चन जो है अटेंड करना चाहिए. तो आज के सेशन में भी हम इसको कंटिन्यू करते हुए बढ़िया तरीके से चीज़ें करने वाले हैं, राइट? चलो, कौन कौन मेरा बच्चा आ चुका है एक बार जाओ अपने अपने टेलीग्राम पर बोल दो मैम इज़ लाइव सो दैट एवरीबॉडी कैन जॉइन. पलक, एकावली, हिमांशी, मिसबा, स्नेही, गोजो, तुषार, जहनबी, उमेश, साक्षी, हरिवंश, नम्रता, प्रिंसेस, शाही, सुमन और कौन कौन है, नीति है, प्रकाश है, अनायसा है. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों. चलो आज का सेशन शुरू करते हैं हम, ठीक है? आज का सेशन शुरू करते हैं, आ जाओ जल्दी से. निशा आ जाओ, अभिषेक, पीएम मैम की अलार्म, स्वप्निल, अंगिरा, हेलो एवरीबॉडी, हेलो हेलो हेलो. चलो, क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन. इन द गिवन बिलो एग्जांपल कितने सेल्स हैं पॉलीप्लॉइड? कितना सेल इसमें से पॉलीप्लॉइड है बेटा, गिनना शुरू करो. कौन कौन सा पॉलीप्लॉइड है? पॉलीप्लॉइड का मतलब होता है जिसकी बहुत ज़्यादा क्या हो, प्लॉइडी हो, 2n से तो ज़्यादा ही हो, ठीक है? आ गए क्या सब लोग? चलो बहुत बढ़िया. तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा बताओ? फर्स्ट का आंसर हो जाएगा 2, है ना? मतलब आंसर 1 रहेगा 2. कितना कितना पॉलीप्लॉइड है? तो इसमें बेटा जो टपेटम है और जो एंडोस्पर्म है वो क्या है, वो है पॉलीप्लॉइड, ठीक है? दे आर पॉलीप्लॉइड. बाकी का जितना है मैं तुम्हें डिप्लॉइड वाला बताती हूँ. मेगास्पोर मदर सेल है, पॉलन स्पोर, ये पॉलन मदर सेल है. इसके अलावा जायगॉट जो है और न्यूसेलस है, ये डिप्लॉइड है और जो बच गया वो हैप्लॉइड है. क्वेश्चन नंबर 2, करेक्ट फॉर द रेफरेंस ऑफ पपाया प्लांट. पपाया के लिए क्या करेक्ट है? मैं बढ़िया हूँ बेटा, आप कैसे हो? 102, पपाया के लिए क्या करेक्ट है? पपाया क्या होता है बेटा? पपाया डायोशियस प्लांट होता है. डायोशियस प्लांट यानी कि या तो सिर्फ मेल ऑर्गन होगा या फीमेल वाला होगा, ठीक है? एक ही होगा. तो डायोशियस प्लांट है तो ओनली स्टेमिनेट फ्लावर्स होंगे या ओनली पिस्टिलेट फ्लावर्स होंगे? तो ऑटोगैमी और जिटोनोगैमी तो हो ही नहीं सकते, सिर्फ क्या होगा, सिर्फ जीनोगैमी हो सकता है. तो 102 का क्या आंसर हो जाएगा? 102 का आंसर 4 हो जाएगा. और यहाँ पे लिख लेना कि पपाया क्या है, डायोशियस है. क्या है? डायोशियस है. चलो नेक्स्ट पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, करेक्ट मैच क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच? करेक्ट मैच पे आ जाइए. व्हाट इज करेक्ट बेटा? तो जो देखो 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 जल्दी से, पॉलन ग्रेन वायबिलिटी कितनी रहती है रोजैशी में? 30 मिनट्स रहती है क्या? मंथ तक रहती है. 103, मैनी ओव्यूल इन ओवरी? बताओ, 1 ओव्यूल रहता है मैंगो में, पैडी में, वीट में, ठीक है? और 1 ओव्यूल है, बिल्कुल सही है. प्लेसेंटा एंड्रोशियम बताता है क्या? गाइनोशियम बताता है. तो 103 का आंसर क्या हो गया है? 10 का आंसर 3 हो गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा जल्दी से. क्वेश्चन नंबर 104, मैच द कॉलम. मैच कर दो जरा. तो जो एनाट्रोपस है ये वर्ड किसके लिए है? ओव्यूल के लिए है. अगर आपको यही बात पता चल जाती है
तो आपको आंसर जो है बेटा तुरंत पता चल जाएगा कि एनाट्रोपस क्या है, ओव्यूल है। एनाट्रोपस क्या है? ओव्यूल। जेको लिजार्ड पॉलिनेटर की तरह काम करती है, ठीक है। टॉलेस्ट फ्लावर किसका है? एमोर्फोफेलस का है। और बायसेक्सुअल में ई मैस्कुलेशन किया जाता है, तो 104 का 2 हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, सिमिलैरिटी अमंग डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर और टर्नर, इनमें क्या सिमिलैरिटीज है, ठीक है। इसमें क्या सिमिलैरिटीज है बेटा? 105 बताओ, सभी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है क्या? बिल्कुल सभी क्रोमोसोमल है। सारे सिंड्रोम सिर्फ फीमेल में होते हैं क्या? नहीं, जरूरी नहीं है। क्लाइनफेल्टर मेल में होता है, टर्नर फीमेल में होता है, ठीक है। तो बी वाला तो नहीं है। इन ऑल नंबर ऑफ ऑटोसोमल क्रोमोसोम सेम रहता है क्या? नहीं, सेम नहीं रहता है। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम तक सेम नहीं रहता है, ठीक है। तो इसलिए जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, कि ए और डी राइट है। नेक्स्ट पे आइए, हाउ मैनी, बिल्कुल नीट पैटर्न है, हाउ मैनी आर करेक्ट बिटवीन सिकल सेल अनीमिया एंड थैलेसीमिया। सिकल सेल अनीमिया एंड थैलेसीमिया के बारे में क्या करेक्ट है? जल्दी से देखेंगे और बताएंगे बेटा तुरंत तुरंत। बहुत अच्छा आंसर किया है क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है। 106, तो इसमें क्या हो जाएंगे बेटा? करेक्ट हो जाएंगे 2। अब देखो कैसे हो जाएंगे। ऐसा होता है बेटा कि जो बीटा चेन रहती है वो सिकल सेल अनीमिया में अफेक्टेड रहती है, ठीक है, और अल्फा बीटा दोनों थैलेसीमिया में रहती है। नेक्स्ट पे आ जाओ, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का किसने दिया था? तो 107 का क्या आंसर हो जाएगा? 107 का आंसर हो जाएगा 1, थॉमस हंट मॉर्गन ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 108, जनरली आफ्टर प्रॉपर सेक्सुअल इंटरकोर्स अ 60 ईयर ओल्ड वुमेन डज नॉट प्रेग्नेंट, इन वुमेन मेंस्ट्रुअल साइकिल सीजेस अराउंड 50 ईयर्स ऑफ एज। तो तुम्हें नहीं लग रहा अजर्शन बता रहा है सही, और रीज़न उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है कि हाँ 60 ईयर ओल्ड वुमेन नहीं प्रेग्नेंट हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि मेनोपॉज 50 साल पर ही हो गया है। तो 108 का आंसर है डी। सेशन को लाइक कर देना बेटा जिसने भी नहीं करा है। करेक्ट मैच क्या है? विच इज दी करेक्ट मैच बताओ। यहाँ पे क्या गड़बड़ है? यहाँ तो 5386 बेस पेयर होना चाहिए। ई कोलाई में 4.6×10^6 बेस पेयर होना चाहिए। तो 109 का क्या हो गया है? सही वाला तो 3 ही है। नेक्स्ट पे आते हैं, नॉट सिमिलर बिटवीन आरएनए एंड डीएनए। आरएनए और डीएनए के बीच में सिमिलर नहीं है। 110, तो थाइमीन जो है डीएनए में है पर आरएनए में नहीं है। इनकरेक्ट विथ रेफरेंस टू यूकेरियोट। यूकेरियोट के बारे में इनकरेक्ट क्या है? क्या पूछ रहे हो सिया? मैम एक क्वेश्चन पूछना था मैम, जब मैंने नीट का एप्लीकेशन फॉर्म भरा था तो मैंने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, नेम और डेट नहीं लिखा था, तो मैम आज मुझे अब एडमिट कार्ड में फ़ोटो पर नेम और डेट लिखना पड़ेगा क्या? लिख दोगे तो बेटा बहुत अच्छी बात है ना, लिखा हुआ लगा दो। अगर नहीं लगा सकते हो, वही वाली सेम फ़ोटो है, तो फिर ये ले जाओ और बोल देना कि मैंने वहाँ ऐसा लगाया था इसीलिए मैं ऐसा लेकर आई हूँ, ठीक है। चलो 111 पे आ जाओ। तो ये जो एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस है दे आर डिफाइंड एज एक्सॉन्स इन द यूकेरियोट नॉट एज द इंट्रॉन्स। नॉन सेंस कोडॉन स्टॉप कोडॉन कौन से हैं? कौन सा होता है बेटा नॉन सेंस कोडॉन और स्टॉप कोडॉन? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? UAG, UGA, UAA।
करेक्ट बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, करेक्ट क्या है? वन वन थ्री, करेक्ट क्या है? प्यूरीन में जो रिंग होती है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग, कैसी होती है? दो होती है प्यूरीन की रिंग्स, है ना? फिर एडिनिन और ग्वानिन प्यूरीन है, हमको तो ट्रिक भी पता है, ए जी पूरी खा लो, एडिनिन ग्वानिन प्यूरीन। पिरिमिडीन में नंबर ऑफ रिंग कितनी होती है? वन होती है, सही बात है। यूरैसिल सी यू टी, साइटोसिन यूरैसिल थाइमीन क्या है? पिरिमिडीन है। तो 113 का आंसर 4 हो जाएगा। रॉन्गली मैच्ड कौन सा है? इसमें से रॉन्गली मैच्ड कौन सा है, गलत मैच कौन सा है बताइए। तो इसमें से जो गलत मैच है बेटा, दैट इज फर्स्ट वन, नाइट्रोजिनेज, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, ना कि अल्कोहल बनाने का। क्वेश्चन नंबर 115 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 115 कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे कि 12% बर्ड स्पीशीज है ना, और फिर 23% मैमल स्पीशी, 32% एम्फीबियंस और 31% जिम्नोस्पर्म्स क्या कर रहे हैं, थ्रेट ऑफ एक्सटेंशन फेस कर रहे हैं। तो 115 का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। हॉटस्पॉट के लिए क्या क्राइटेरिया लेता है इकोलॉजिस्ट कोई भी? व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर हॉटस्पॉट बताओ? 116, तो जितनी ज़्यादा वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी होनी चाहिए और ऐसे ऑर्गेनिज्म होने चाहिए जो वहाँ के लिए एंडेमिक है, जैसे कि वो वहीं पर मिलते हैं। साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म नहीं देखेगा, बस ऐसा देखेगा कि ज़्यादा ऑर्गेनिज्म और वहीं पे मिलते हैं। फीमेल बी कलर पैटर्न चेंज इवन स्लाइटली फॉर एनी रीजन, तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑन ऑर्किड अफायरस? जो फीमेल बी कलर पैटर्न अगर चेंज हो रहा है ना, तो ओफायरस पे क्या इफेक्ट होगा? तो अब पेटल जैसा, जैसे पेटल की शेप होती है, कलर होती है, पैटर्न होता है, वैसे ही क्या होती है, फीमेल भी होती है, तो दोनों सेम सेम रहते हैं तो सूडो कॉपुलेशन हो पाता है। अब अगर कलर पैटर्न चेंज हो गया इवोल्यूशन में है ना, तो क्या हो जाएगा? तो उसको भी चेंज होना पड़ेगा ताकि वो रिजेम्बलेंस कर पाए, नहीं तो फिर पॉलिनेशन नहीं होगा। इन करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, गलत स्टेटमेंट क्या है बताओ? 118 पे आ जाओ। 118 बहुत अच्छे, निशु, अभिषेक, पीएमएम की रैबिट, कशिश, बकरी, कुमार, अंगिरा, डिंपल, मंतशा, उमेश, श्रेया, स्वप्निल। 118 ठीक है, तो इनकरेक्ट क्या है बताओ? इनकरेक्ट बताना है। अमेजॉन रेन फॉरेस्ट कट कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं सोयाबीन के कल्टीवेशन के लिए क्या? हाँ, एनिमल विथ माइग्रेटरी हैबिटेट्स अफेक्ट हो जाएंगे हैबिटॉट, सही बात है। तो बी और सी करेक्ट है, ए और डी खराब है ना, ए और डी गलत है। स्मॉल टेरिटरीज नहीं लगती है, लार्ज टेरिटरीज रखती है, ठीक है। और एक बात बताओ कि कितना परसेंट अर्थ का लैंड एरिया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कवर करते हैं? बेटा 118 का आंसर अपन ने 2 लगाया है, ठीक है, 118 का 2 लगाया है। नेक्स्ट पे आ जाओ। इनकरेक्ट क्या है, गलत, कितने गलत हैं ये बताना है, कितने गलत हैं? इंडिया में मोर देन 1200 स्पीशीज हैं बर्ड की, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में 1400 है क्या, 1300 स्पीशीज हैं, कोलंबिया में कितना है, 1400 स्पीशीज हैं, और ग्रीनलैंड में कितनी है, 56 हैं। तो करेक्ट क्या है बस इसके अकॉर्डिंग? एक करेक्ट है तो 3 इनकरेक्ट है, क्यों बेटा? नेक्स्ट, अब बताओ करेक्ट क्या है, कितने करेक्ट हैं? पैसेंजर पिजन
एक्सटिंक्ट हो चुका है? लेंटाना एक्सटिंक्ट प्लांट है क्या? एलियन स्पीशी है? एलियन इन्वेजिव? को एक्सटिंक्शन फैकल्टेटिव रिलेशन होते हैं क्या? नहीं, ऑब्लीगेटरी रिलेशन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ ऑब्लीगेटरी आ जाएगा। ठीक है, ये एनिमल होता है क्या? प्लांट होता है। और ये भी क्या हो जाएगा? एलियन प्लांट हो जाएगा। ठीक है, तो एक ही करेक्ट है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैटलिटिक कन्वर्टर से क्या करते हो? कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड को किस में कन्वर्ट करते हो? तो इसको कन्वर्ट करते हो CO2 में एंड N2 में। चलिए 122 पे आ जाइए। बेटा OMR साथ में भर रहे हो कि नहीं? वेरी गुड मैनक, गोजो, कशिश, हरिवंश, सुमन, पलक, प्रकाश, श्रेया, मयूर, साक्षी, डिंपल, तुषार, वन ट्वेंटी टू। क्या आपको नहीं लग रहा ये सारे करेक्ट हैं? ऑल द स्टेटमेंट्स आर राइट। करेक्ट फॉर लिंकेज, लिंकेज के लिए क्या करेक्ट है? लिंकेज के लिए क्या करेक्ट है? पढ़ो और बताओ। करेक्ट अबाउट लिंकेज। वन ट्वेंटी थ्री, वॉट इज करेक्ट? बेटा अगेन ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। फिर से सभी स्टेटमेंट्स क्या हैं? करेक्ट हैं। ड्यूल पर्पस कौन सर्व करता है? ड्यूल पर्पस, डी ऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट है ना, ये क्या करेगा? दो फंक्शन करेगा रेप्लिकेशन में। एलर्जिक रिएक्शन में बताओ कौन सी एंटीबॉडी? 125। एलर्जिक रिएक्शन में कौन होगी? IgE होगी। इसमें से ऑटो इम्यून डिसीज कौन सी है? ऑटो इम्यून डिसीज रूमेटॉइड अर्थराइटिस। HIV फैक्ट्री कौन सी है? HIV फैक्ट्री इसमें से जहाँ पे बन रहा है मैक्रोफेजेस। कार्सिनोजन्स कैसे होते हैं? 128। जल्दी जल्दी रिप्लाई करो बेटा। कार्सिनोजन्स सभी ही टाइप के हो सकते हैं, ऑल ऑफ दीज। सहेली एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, साइंटिस्ट ने डेवलप की कौन से इंस्टीट्यूट में? इन विच इंस्टीट्यूट? तो इट वॉज इन ऑल लगा सकते हैं ना, CDRI लखनऊ में, UP में, इंडिया में है। करेक्ट मैच क्या है? क्या जेनाइटल हर्पिस क्यूरेबल है क्या? नॉन क्यूरेबल है। वॉट्स क्या है? नॉन क्यूरेबल है, क्यूरेबल है। MTP इंड्यूस्ड अबॉर्शन और फैमिली प्लानिंग 1951, और ये अपोजिट है। आंसर है 3। इनकरेक्ट क्या है? गलत क्या है? रॉन्ग क्या है? विच वन इज रॉन्ग? हार्मोन रिलीजिंग IUD होती है ना कि पिल्स होती हैं। ठीक है, नॉर्मली प्लेसेंटा कैसे फॉर्म होता है बेटा? वन थर्टी टू, कोरियोनिक विलाय विथ यूटराइन वॉल। क्वेश्चन नंबर 133 पे आ जाइए। 133 क्या है देखो और बताओ।
तो बेटा देखो, मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जांपल है और मल्टीपल अलील्स भी बताएं, तो दोनों सही भी है और एक्सप्लेन भी कर रहा है। चलो मैच कर दो जरा 134 को। वन थर्टी फोर करा बेटा, कैसे सॉल्व किया बताओ। क्लीवेज जाइगोट, इम्प्लांटेशन यूट्रस, ब्लास्टोमियर डॉटर सेल, पेरिविटलाइन ओवम। तो 134 का क्या हो गया, 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। अगेन अपन को मैच करना है, अगेन क्या करना है, मैच करना है। कैसे मैच करेंगे, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो तानिया, निशु, शॉबी, प्रसून, बिल्कुल बेटा सेशन को भी लाइक कर सकते हैं। 135 मेल जर्म सेल टेस्टिस, क्लाइटोरिस फीमेल एक्सटर्नल जेनिटीलिया, लैक्टिफेरस डक्ट मेमोरी ग्लैंड, एसेसरी डक्ट यूट्रस। अरे ये तो सब आमने सामने है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 1 हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, करेक्ट क्या है, तो ये एंट्रम बेटा प्राइमरी फॉलिकल में नहीं होता है, टर्शरी फॉलिकल में होता है और पोलर बॉडी स्पर्मेटोजेनेसिस में नहीं बनती है, ऊजेनेसिस में बनती है, इसीलिए कौन से करेक्ट हैं, यही करेक्ट है। फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का क्या फंक्शन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ, हाँ श्रेया प्लेसेंटा का क्या फंक्शन है अभिषेक बताओ। फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, सभी क्या है, फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा है। नेक्स्ट पे आते हैं बेटा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर इन अ प्लाज्मिड टू बी यूज्ड एज वेक्टर, क्या फीचर है प्लाज्मिड में, क्या फीचर होना चाहिए। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए ना, यही कॉपी नंबर वगैरह भी देखिएगा, ठीक है। करेक्ट बिटवीन स्टिगोसॉर्स ट्राइसर्टोप्स बताओ। एक्चुअल में ये एनसीईआरटी के डायग्राम में दिया गया है कि ये एक्सटिंक्ट एनिमल्स हैं, रेप्टाइल्स हैं और डायनासोर्स हैं, ठीक है। ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में देखो कि ये जो अर्लीस्ट ऑर्गेनिज्म थे जो अर्थ पे आए थे, ये नॉन ग्रीन थे और एनएरोब्स थे। फर्स्ट ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म वर द कीमो ऑटोट्रॉफ्स दैट नेवर रिलीज्ड ऑक्सीजन, तो दोनों ही क्या है, करेक्ट है। सबसे पहले कौन आए, हेटरोट्रॉफ्स आए, फिर ऑटोट्रॉफ्स आए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आर एक रह गया ना पीछे, रुको एक मिनट। अच्छा ये बता रहे हैं कि पॉपुलेशन में अगर 1000 इंडिविजुअल्स हैं, 360 का जीनोटाइप ये है, 480 का जीनोटाइप ये है, 160 का जीनोटाइप ये है, ठीक है। अब कुछ साल बाद, बहुत साल बाद न्यू पॉपुलेशन में 2000 इंडिविजुअल्स रहते हैं, 720 हो जाता है जीनोटाइप ए का, 960 हो जाता है इसका, और बचे हुए जो रहते हैं वो ए रहते हैं, तो इसके बारे में करेक्ट कंक्लूजन क्या है। तो इससे ये समझ में आता है कि कोई इवोल्यूशन नहीं हुआ यहाँ पे, है ना, जैसा था रफली हमको कैसा दिख रहा है, वैसा ही दिख रहा है रेशो के उसमें, तो कोई इवोल्यूशन नहीं हुआ है। और हार्डी विंबर्ग लॉ क्या है, मेंटेन्ड है, यानी कि आंसर क्या है, यानी कि आंसर ए और डी है। नॉट डार्विनियन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, डार्विन की थ्योरी है ब्रांचिंग डिसेंट नेचुरल सिलेक्शन यूज एंड डिसयूज, और ये नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा।
सिम्टम्स ऑफ एस्कैरियासिस आर, एस्कैरियासिस में क्या देखने को मिलता है, अंदर ब्लीडिंग होती है, मसल में पेन होता है, ब्लड लॉस की वजह से अनीमिया हो जाता है, इतने वॉर्म्स आ जाते हैं कि इंटेस्टाइन ब्लॉक हो जाता है। अगर टिटनेस ले रहे हैं क्विक इम्यून रिस्पॉन्स के लिए, है ना, तो क्या होगा, ये एंटीबॉडी होती है जो पैसिव इम्यूनिटी की तरह काम करती है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, गलत स्टेटमेंट क्या है? गलत स्टेटमेंट क्या होगा बेटा, बताइए। रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है? ये बोल रहा है नॉन एंडोस्पर्मिक में एंडोस्पर्म बनता ही नहीं है, बनता है पर कंज्यूम हो जाता है, ठीक है। करेक्ट क्या है, इसमें से फीमेल होती है बड़ी वाली, मेल होता है छोटा वाला, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को आंसर बताना है 146 का। ए क्या है, मेल है, बी फीमेल है, तो पता ही है, मेल हेट्रोगैमेटिक होते हैं, ठीक है। मेल क्या होते हैं, हेट्रोगैमेटिक होते हैं, और फीमेल क्या होती है, होमोगैमेटिक होती है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, एक तो ये सही है, एक्स वाई टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन है, और दूसरा एक्स वाई क्रोमोसोम्स एंड हैव पेयर ऑफ एक्स एक्स क्रोमोसोम, मेल एक्स वाई है, फीमेल एक्स एक्स है। करेक्ट अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, करेक्ट इसमें से कौन सी है, वेलिन, वाल हिस, ल्यू थ्रू, प्रो वाल ग्लू, ठीक है। तो इसका आंसर 2 है। ऑड वन क्या है, प्लॉइडी देखो और बताओ। ठीक है, तो सिनर्जिड्स हो जाएंगे हैप्लॉइड, बाकी सब हो जाएगा डिप्लॉइड, ठीक है। 149 पे आ जाओ, यहाँ पे ऐसा है बेटा, रुको मैं पूरा अच्छे से लिखती हूँ उसको। इसके बारे में बताइए, क्या ये वायरस है, हाँ। क्या ये इन्फेक्शियस एजेंट है, हाँ। रेट्रो वायरस नहीं है, सिंगल सेल प्रोटीन नहीं है, ठीक है। इसका जेनेटिक मटेरियल क्योंकि डीएनए ही है, तो 149 का आंसर है 1। आरएनए वर्ल्ड इज रिलेटेड विथ, आरएनए वर्ल्ड किससे रिलेटेड है, आरएनए वर्ल्ड किससे रिलेटेड है, बेटा बिल्कुल सेशन को लाइक कर दो, है ना। और इट इज़ द आंसर इज़ द प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन्स। आज हमने 50 क्वेश्चंस किए हैं, ज़रूर बताना 50 में से आपके कितने करेक्ट हुए हैं। सेशन को 100% लाइक कर दो, एडमिट कार्ड से रिलेटेड जो दोनों वीडियोस है देख लो, अगर कुछ भी डाउट है तो वहीं पे कमेंट बॉक्स में डालो, आई विल रिप्लाई। और दूसरी बात ऐसी है बेटा कि कल सुबह 8:30 पे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का वन शॉट हो रहा है, उसमें ज़रूर आना, ठीक है। तो बेटा डू लाइक द सेशन, ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, और कल सुबह 8:30 बजे वन शॉट मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। बाय बाय।